नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे के स्ट्रीम सिलेक्शन के बाद बच्चे को किस तरीके के स्पेशलाइजेशन में डाला जाना चाहिए। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि एस्ट्रोलॉजी कैसे मदद करती है बच्चों के स्ट्रीम सिलेक्शन में, वैसे ही एस्ट्रोलॉजी आपकी मदद करती है स्ट्रीम सिलेक्शन के बाद उसकी स्पेशलाइजेशन में। जैसे इसी बच्चे ने मेडिकल स्ट्रीम लिया है तो बच्चे को इंटरनल मेडिसिन में जाना चाहिए या सर्जन में, और सर्जन में भी आगे किस तरीके के सर्जन में जाना चाहिए। वैसे ही टेक्निकल में, सिविल में, कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में या किस ब्रांच में जाना चाहिए। उसी तरीके से हम यदि कॉमर्स की बात करें, BBA में, फैशन डिजाइनिंग में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में या फिर और बहुत सारे कोर्सेज, तो हम एक PPT के माध्यम से समझेंगे कि एस्ट्रोलॉजी कैसे मदद करती है उसकी ब्रांचेस सिलेक्शन में। अब हम PPT के माध्यम से यह समझेंगे कि बच्चे को मेडिकल के बाद इंटरनल मेडिसिन में डाला जाए या फिर सर्जन में। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सर्जन जातक वही बनता है जब सूर्य मंगल का लिंक केतु से हो जाए। मोटा मोटा मंगल का लिंक केतु से होना चाहिए तभी जातक सर्जन कैटेगरी में जाएगा। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जितने भी सर्जन डॉक्टर इस दुनिया में हैं उनका लिंक मंगल या केतु से कैसे ना कैसे बनेगा। आप चाहें तो आप कुंडली में जो भेज दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि मंगल और केतु का लिंक कैसे बन रहा है। अब वो आगे मंगल वो सर्जन की किस कैटेगरी में जाएगा या इंटरनल की मेडिसिन की किस कैटेगरी में जाएगा, यह भी एक बड़ा सब्जेक्ट है। इसको भी हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जान सकते हैं। इसके अलावा यदि वह आयुर्वेदिक डॉक्टर बनेगा, होम्योपैथिक बनेगा या एंटरमोलॉजिस्ट बनेगा, तो सूर्य मंगल का लिंक यदि शुक्र से हो जाए वो तो इन तीनों कैटेगरी में भी जा सकता है। अब हम बात करेंगे टेक्निकल के बारे में। दूसरे बच्चे ने टेक्निकल सब्जेक्ट तो ले लिया, अब टेक्निकल के अंदर मैकेनिकल में जाएगा, सिविल लाइन में जाएगा या साइबर सिक्योरिटी या इसके अलावा बहुत सारे और भी सब्जेक्ट हैं। मैंने करीब 15 से 20 सब्जेक्ट इसमें चूज कर रखे हैं, इसमें किस में जाएगा। तो यदि सूर्य मंगल का संबंध अग्नि तत्व से हो जाए तो मैकेनिकल लाइन में, सूर्य मंगल का संबंध पृथ्वी तत्व से हो जाए तो सिविल लाइन में, और सूर्य मंगल का संबंध यदि वायु तत्व से हो जाए तो ऐसा बच्चा साइबर सिक्योरिटी में जाता है। अब हम बात करेंगे कॉमर्स लाइन के बारे में। कॉमर्स लाइन के बारे में यदि वह बच्चा बुध या मंगल का संबंध ही होता है तो ऐसा बच्चा BBA या BCOM करता है। बुध मंगल का संबंध यदि शुक्र से हो जाए तो ऐसा बच्चा ऑनलाइन स्टडी और डिजिटल वर्क में अच्छा काम करता है, और यदि बुध मंगल का संबंध शनि से हो जाए तो ऐसा बच्चा फॉरेन ट्रेनिंग, इंटरनेशनल मार्केट या रिसर्च में बहुत अच्छा काम करता है। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि किस तरीके की स्पेशलाइजेशन आपके बच्चे को दे सकती है एक सुनहरा भविष्य, तो देर किस बात की, अभी भेजिए मुझे अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ।